हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी नेचुरल एंड ओपन। आज का मेरा टॉपिक है कि एचआईवी इन्फेक्शन है वो ओरल सेक्स के माध्यम से फैल सकता है क्या। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। तो इसका जवाब है कि क्या एचआईवी ओरल सेक्स के माध्यम से फैल सकता है, तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन जोखिम है वो काफ़ी कम है। एचआईवी मासिक धर्म और योनि से बहने वाला वेजाइनल फ्लड के माध्यम से फैलता है। ये जो वायरस है, ये जो ब्लड, हमारा जो ब्लड है उसके माध्यम से योनि या फिर हमारा जो एनस है, मलाशय है, मूत्र मार्ग के अंदर के कुछ जैसे नाजुक श्लेष्मा झिल्ली है उससे गुजरकर शरीर में प्रवेश करता है। यदि कोई व्यक्ति ये जो ओरल सेक्स करता है उससे मसूड़ों में अगर ब्लड आता है, कट है, अल्सर है, तो एचआईवी इन्फेक्शन उसका जो तरल पदार्थ है यानी जो फ्लड है उसके माध्यम से उसके ब्लड में प्रवेश कर सकता है। ऐसा तब भी हो सकता है जब ओरल सेक्स के दौरान महिला से संक्रमित जो फ्लड है उसके जो पार्टनर है उनके मुंह में चला जाए। सेक्स के दौरान कोंडोम का उपयोग करना ओरल सेक्स और एनल सेक्स दोनों में काफ़ी हेल्पफुल होता है। एचआईवी सहित यौन संबंधित बीमारियां जैसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं उनको रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कॉन्डोम। वेसलीन या बेबी ऑयल जैसे ऑयल बेस्ड लुब्रिकेंट के इस्तेमाल से बचें, क्योंकि ये कॉन्डोम को कमज़ोर कर सकते हैं और इनके फटने का खतरा बढ़ सकता है। ओरल सेक्स के दौरान एनल या महिलाओं का जो जननांग होते हैं उनको ढकने के लिए आप डेंटल डैम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। एक डेंटल डैम लेटेक्स या पॉलीयूरेथीन स्क्रेयर होता है जिसका माप लगभग 15 सेंटीमीटर गुणा से 15 सेंटीमीटर होता है। ये एसटीडी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाने से रोकने में मदद करने के लिए एक दीवार के रूप में कार्य करता है। अब जानते हैं कि एचआईवी का इन्फेक्शन कैसे होता है, प्रसार कैसे होता है। एचआईवी का प्रसार शारीरिक तरल पदार्थों के आदान प्रदान से होता है, जैसे कि वीर्य संबंधी तरल या फिर जो वेजाइन है उससे निकलने वाला जो तरल पदार्थ है, या मासिक धर्म के मासिक जो धर्म होता है उसके टाइम जो निकलने वाला फ्लड होता है, या फिर स्तन का दूध होता है, या ब्लड होता है, या जो म्यूकस म्यूकस पाया जाता है जो या फिर प्री कम यानी जो एक ऐसा तरल पदार्थ है ल्यूब्रिकेशन होता है जो लिंग में स्खलन के टाइम निकलता है, इससे भी एचआईवी इन्फेक्शन फैलता है, या किसिंग के द्वारा भी एचआईवी इन्फेक्शन फैल सकता है। किसी एचआईवी व्यक्ति के छींकने से उसकी छींक से फैल सकता है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ नहाने से, तौलियां यूज़ करने से और एक पूल में नहाने से, एक टॉयलेट सीट पर बैठने से इसका ये जो है इन्फेक्शन फैल सकता है। मच्छर जैसे कीड़े या जानवर के काटने से भी, क्योंकि उनकी लार में अगर एचआईवी इन्फेक्शन एचआईवी वायरस पहुंच जाता है तो उससे हो सकता है। तो ये है मेरा आज का टॉपिक। अगर आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।